30 देशों के 90 प्रवासियों ने किए हनुमानगढ़ी के दर्शन। दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष विजय जौली के नेतृत्व में 30 देश के 90 प्रवासी भारतीयों का डेलीगेशन रामनगरी अयोध्या पहुंचा। साथ ही 400 से अधिक डेलीगेशन में सब राम भक्त भी शामिल हैं, जो हनुमान जयंती के अवसर पर अयोध्या पहुंचे, जहां प्रवासी भारतीयों के डेलीगेशन ने हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया और सरयू की आरती उतारी और सामान्य नागरिकों की तरह ही लाइन में लगकर रामलला के दर्शन किए। इस दरमियान भूटान और तिब्बत के एम्बेसडर और स्पीकर भी डेलीगेशन में शामिल रहे। 400 सदस्यीय डेलीगेशन लेकर अयोध्या पहुंचे विजय जौली ने कहा कि हम रामलला का पूजा अर्चन कर आशीर्वाद मांगेंगे कि देश का प्रतिनिधित्व तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में करें। इसके साथ ही देश भर से आए राम भक्तों के साथ 30 देश के 90 प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। इस दरमियान भूटान के स्पीकर ने कहा कि हम भारत से मजबूत रिश्ते के लिए रामलला से आशीर्वाद मांगेंगे। अयोध्या पहुंचे प्रवासी भारतीयों के साथ 400 से अधिक राम भक्त मौजूद रहे। इस दरमियान जय श्री राम के नारे लगे। आई एम द एम्बेसडर ऑफ भूटान वेत्सप नामग्याल। भूटान एंड इंडिया आर द क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड आई एम अ बुद्धिस्ट। इन भूटान वी आर बुद्धिस्ट। बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म आर वेरी क्लोजली अफिलिएटेड टू ईच अदर। वी फील ग्रेट अफिनिटी। So it's a great privilege for me and a great pleasure to have the opportunity to pay respect to Ram Lala today. This is my first time coming to Ayodhya. I'm very happy to be here and I will be praying for the peace or prosperity of India and Bhutan and for the friendship between India and Bhutan to become closer and closer. Greater and greater than ever before. Thank you. What is your name? Vetsop Namgyal. What is your name? Vetsop Namgyal. देखिए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम लोग सब रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या मंदिर पधारे हैं और हमारे साथ 30 देशों के 90 प्रवासी भारतीय जिनका प्रतिनिधित्व हमारे भूटान के एम्बेसडर नामग्याल जी कर रहे हैं और तुवालू के ऑनरी काउंसिल जनरल दीपक जैन जी हमारे समक्ष हैं और बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली से हमारे श्रद्धालु इस पावन अवसर पर उपस्थित हैं। हम अभी बजरंगबली का पाठ करते हुए अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे और इस बात की भी कामना करेंगे कि प्रभु श्री राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 2014 के संसदीय चुनावों में विजयी बनाए, 2024 के चुनावों में विजयी बनाए। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, एमसीएच लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, ओटीटी, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बचपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।